हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि मिहिर भोज कौन था, हु वाज मिहिर भोज। अभी आपने पेपर वगैरह में देखा होगा कि राजपूत और गुर्जर जाति के लोगों ने एक दूसरे से झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया जब यूपी के मुख्यमंत्री किसी एक जगह यूपी में मिहिर भोज के मूर्ति का अनावरण कर रहे थे। तो आखिर ये विवाद क्यों है? और कुछ लोगों का कहना है कि मिहिर भोज राजपूत थे, कुछ का ये कहना है कि मिहिर भोज गुर्जर थे। तो ये विवाद जो है बढ़ रहा है और सभी ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या प्रस्तुत किया है। तो चूंकि ये करंट टॉपिक का हिस्सा है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लिया हूं। आपको याद रखना होगा कि मिहिर भोज को राजा भोज से आप दोनों को एक दूसरे से नहीं मिलाइएगा। राजा भोज परमार वंश के राजा थे और जिनका स्टैचू भोपाल के झील में लगा हुआ है, उनके नाम पर भोज यूनिवर्सिटी है। और साहित्य के मामले में वो खुद तो प्रखर विद्वान थे ही, साथ साथ उन्होंने बहुत सारे विद्वानों को आश्रय भी दिया था। और उनकी राजधानी कहाँ थी? धार, मतलब परमार वंश के वो शासक थे। और उनका जो पीरियड है वह है 1010 ईस्वी से लेकर के 1055 ईस्वी तक, एडी तक, मतलब कुल उन्होंने 45 वर्ष तक शासन किया। लेकिन आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो है मिहिर भोज के बारे में। तो दोस्तों, ये मिहिर भोज कौन थे? तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मिहिर भोज प्रतिहार वंश के चौथे नंबर के शासक थे। मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रतिहार वंश के राजा हुए उसमें वो चौथे नंबर के शासक थे। और ये प्रतिहार कौन है तो इसके बारे में आपको हम अभी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो प्रतिहार के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ मिलती है? राजस्थान के जोधपुर के पास में एक मैंडोर जगह है, मांडोर, मांडोर। इस मांडोर जगह सबसे पहले उनका यही अर्ली सेटलमेंट था। अब यहां से धीरे धीरे वो ब्रांच आउट होते गए, अलग अलग बसते गए। और उसमें एक शाखा जो है वो कहां आकर के बसा? उज्जैन में। जिसको कि पुराने जमाने में उज्जैनी कहा जाता था। और ये अवंती, पुराने जमाने में अवंती का राजधानी उज्जैन हुआ करता था। तो उन्होंने उज्जैन शिफ्ट किया अपने कैपिटल को, राजधानी को। और उसके बाद जब वो बहुत ताकतवर हुए और उन्होंने पूरे मध्य देश, मध्य देश एक टर्म आया है, मध्य देश, दोस्तों ये मध्य देश मतलब क्या होता है? आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मध्य प्रदेश का इलाका, यूपी का इलाका, दक्षिणी राजस्थान का इलाका, हरियाणा का इलाका, ये सारे जो एरिया हैं उस जमाने में मध्य देश कहा जाता था। तो अब उन्होंने क्या किया कि जब बहुत ज़्यादा ताकतवर वो हो गए तो उन्होंने अपनी राजधानी को उज्जैन से शिफ्ट किया कहाँ पर? कन्नौज।
दोस्तों आखिर कन्नौज शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ था? तो मतलब यह था कि आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन का राजधानी कहां था, कन्नौज, और हर्षवर्धन की मृत्यु 647 एडी में हुआ। तो कन्नौज का स्थान बहुत व्यापक हो गया और जो राजवंश कन्नौज पर कब्जा करता था, मतलब वो पूरे हिंदुस्तान पर, मत खास करके नॉर्दर्न इंडिया पर कब्जा करता, मतलब उनको माना जाता था कि वो पूरे उत्तर भारत के सम्राट हैं। तो इसीलिए त्रिकोणात्मक संघर्ष, जिसको ट्रायंगुलर फाइट कहते हैं, वो 200 वर्षों तक तीन राजवंशों के बीच में चला। और वो तीन राजवंश कौन कौन थे? पहला पाल डायनेस्टी के राजा, खास करके धर्मपाल और देवपाल के समय में। दूसरा प्रत्याहार वंश के राजा, और तीसरा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजा, जैसे ध्रुव फर्स्ट, कृष्णा सेकंड, थर्ड, इंद्र, ये सब बहुत पावरफुल राजा हुए, जिनका कि राजधानी गोदावरी के तट पर था और वो अक्सर उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। तो तीन डायनेस्टी, तीन राजवंश के बीच में लगभग 200 वर्षों तक युद्ध हुआ और उसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि तीनों राजवंश बारी बारी करके खत्म हो गए, ध्वस्त हो गए। और अभी मैं बताऊंगा कि इन राजवंशों के ध्वस्त होने के बाद में दूसरे दूसरे राजवंश पैदा हुए और जिसको कि हम राजपूत काल कहते हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप के जो वंशज थे, सबसे पहला जो आदि पुरुष थे तो बप्पा रावल, उनका जो डायनेस्टी था, वंश था, वो था गुहिला। और ये गुहिला कौन थे? प्रतिहार के सामंत थे। उसी तरह से गाढ़वाला, जिसके कि अंतिम शासक जयचंद था, वो भी प्रतिहार के सामंत थे। पृथ्वीराज चौहान के वंशज, जो चौहान डायनेस्टी, या परमार, या चंदेलाज, तो ये सारे जो राजपूत बाद के वर्षों में पैदा हुए, वो सब प्रतिहार वंश के राजाओं के सामंत थे। और जब प्रतिहार वंश खत्म हो गया, पाल डायनेस्टी खत्म हो गया, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी खत्म हो गया, तो ये सारे जो डायनेस्टी है वो उभर के सामने आए और आगामी 500 वर्षों तक इन्होंने हिंदुस्तान पर शासन किया, जब तक कि इनको बारी बारी से मुसलमानों ने हरा नहीं दिया। दोस्तों मीर भोज का स्थान क्या है? तो जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे पहले इस वंश का उदय नागभट फर्स्ट के समय में हुआ, उसके बाद में जिसने कि अरब आक्रमणकारियों से, खास करके जो पश्चिमी तट पर जो आ गए थे, धमक गए थे, उनसे लोहा लिया। दूसरा उसके बाद में वत्सराज, ये शासक हुए। तीसरा, और इनके समय में इन्होंने खास करके मध्य देश के जो सेंट्रल इंडिया के जो शासक बढ़ते, उनको बारी बारी से हराया। और इसके अलावा जो पाल वंश के राजा, जो सर्वशक्तिशाली राजा थे धर्मपाल, उसको भी उन्होंने हराया। और इस तरह से उन्होंने जो भाटीज था राजपुताना का, उनको हराया। और अंत में उन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। तो यहीं से प्रतिहार वंश के राजाओं की राजधानी कन्नौज हो गया दोस्तों। लेकिन ये जो इनकी सफलता थी, उसको वो ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं और राष्ट्रकूट किंग ध्रुव ने इन्हें हरा दिया और ये रेगिस्तान में शरण लेने के लिए विवश हो गए। इसके बाद में नागभट सेकंड, जो उनका पुत्र था,
वो 805 से लेकर के 833 एडी तक शासन किया और इस पीरियड में पुनः प्रतिहार वंश के राजाओं ने कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया। धर्मपाल को उन्होंने मुंगेर के पास में, बिहार में अभी मुंगेर, वहाँ पर उन्होंने प्रतिहारों ने हराया और इस तरह से उन्होंने उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसके बाद नागभट्ट सेकंड के बाद में जो शासन शुरू होता है वो है मिहिर भोज का। तो दोस्तों अब ये मिहिर भोज कौन है, इनका इतिहास में क्या स्थान है? तो सबसे पहले इनका जो शासन का जो पीरियड है वो है 836 एडी से लेकर के 885 एडी तक और ये बहुत प्रभावशाली राजा हुए और इनके समय में इन्होंने पाल वंश के राजाओं को आगे बढ़ने से, पश्चिम की तरफ बढ़ने से रोका और ये नर्मदा नदी तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर ध्रुव सेकंड ने इन्हें हरा दिया। तो इस तरह से नर्मदा से आगे दक्षिण की तरफ ये आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बाद में कृष्णा थर्ड के साथ में इनका युद्ध हुआ और घनघोर युद्ध हुआ नर्मदा के तट पर, जिसमें कि युद्ध जो है वो इनकन्क्लूसिव रहा, माने रिजल्ट नहीं आया। और इनके समय में जो अरब यात्री सुलेमान है वो हिंदुस्तान आया था और उसने कहा कि जो मिहिर भोज हैं वो बहुत ही प्रतापी राजा हैं, उनके पास में कैवेलरी बहुत ही मजबूत है और वह जो है वो अरब के जो अरबों के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने जो है युद्ध का संचालन किया और उन्हें हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने अपने वृतांत में लिखा है। अब दोस्तों ये सवाल उठता है कि ये मिहिर भोज कौन थे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप पृथ्वीराज रासो की बात माने, जिसके कि लेखक चंद बरदाई हैं, तो उनका कहना है कि माउंट आबू पर एक यज्ञ किया गया जिसके कि पुरोहित वशिष्ठ थे और उस यज्ञ के समापन के बाद में चार योद्धा निकले और ये चार योद्धा कौन थे? नंबर एक प्रतिहार, नंबर दो परमार, नंबर तीन चालुक्या या सोलंकी ऑफ गुजरात और नंबर चार चौहान, माने पृथ्वीराज चौहान के वंशज। तो चार महत्वपूर्ण जो है ये योद्धा उस अग्निकुंड से निकले और उन्होंने जगह जगह अपना राज्य स्थापित किया। यदि आप राजशेखर, जिन्होंने कर्पूर मंजरी और बहुत सारे किताब लिखे हैं और जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं प्रतिहार डायनेस्टी के समय में, और तो उनका कहना यह है कि उन्होंने प्रतिहारों को क्या लिखा है, रघुकुल तिलक और दूसरा रघु ग्रामिणी, द लीडर ऑफ द रघु फैमिली, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज। तो ये राजशेखर ने लिखा है अपने किताबों में, लेकिन जैसे पंपा है जो कनरीज कवि हैं, उन्होंने प्रतिहारों के बारे में लिखा है कि ये गुर्जर राजा हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्रदेश जिसको कि गुजरात्रा बोलते हैं, उसी शब्द से अपभ्रंश होकर के बाद में गुजरात बना, जिसको जो हिंदुस्तान का अब एक राज्य है। तो उस जमाने में गुजरात्रा का मतलब होता था उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान का इलाका, ये दोनों मिला करके इसको गुजरात्रा बोलते थे। तो
कनरिस कन्नर के जो कवि हैं पंपा, वो प्रतिहार शासकों के लिए क्या संबोधन करते हैं कि वो गुर्जर राजा हैं, द किंग ऑफ गुर्जर। इसके अलावा नीलकंठ शास्त्री जो दक्षिण भारतीय इतिहास के एक ऑथोरिटी हैं, उनका ये कहना है कि प्रतिहार बेसिकली राष्ट्रकुटा राजाओं के यहाँ काम करते थे, ऊंचे पदों पर काम करते थे, और चूंकि प्रतिहार जो होता है वो द्वारपाल जो एक महत्वपूर्ण पद होता था जो राजा के अपने निवास स्थान या हरम इनके देखरेख की व्यवस्था करता था और बहुत ही विश्वास पात्र होता था, तो प्रतिहार के पद पर कार्यरत थे, और इसी से ये शब्द जो है प्रतिहार शब्द आया है। एक जो बहुत सारे जो उस जमाने के जो लेखन हैं उसमें ये पता चलता है, और जो प्रतिहारों के अपने जो इंस्क्रिप्शन हैं वो ये बताते हैं कि लक्ष्मण माने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई लक्ष्मण के ये लोग वंशज हैं, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ लक्ष्मण, द यंगर ब्रदर ऑफ श्री राम। अब बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन हैं वो ये बताते हैं कि चूंकि लक्ष्मण ने लॉर्ड लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था, मतलब प्रतिघात किया था, तो इसीलिए इनका नाम इनके वंशज को प्रतिहार कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के थ्योरी प्रतिहार वंश के बारे में बताए गए हैं। और जो सर्वमान्य थ्योरी है वो यह बताती है कि जो गुर्जर जो है वो ट्राइब था, गुर्जर ट्राइब था, और हिंदुस्तान में गुप्त वंश के शासन के अवसान के बाद और हूनों के आक्रमण के बाद में ये ट्राइब सेंट्रल एशिया से आए थे और ये जगह जगह हिंदुस्तान में फैल गए, और उसी में से एक क्लान जो था, एक शाखा जो था, वो शाखा का नाम था प्रतिहार, जिसने बाद के वर्षों में दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात पर कब्जा किया, और इसीलिए इन इलाकों को गुजरात्रा बोलते हैं, रेसिडेंस ऑफ गुर्जर्स। तो धीरे धीरे जो ट्राइब जो गुर्जर था वो अब चूंकि टेरिटरी मतलब क्षेत्र में स्थापित हो गया, जो पहले खानाबदोश थे, एक जगह से दूसरे जगह जीविकोपार्जन के लिए जाते थे, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो अस्थाई ढंग से एक क्षेत्र विशेष में खास करके दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में रहने लगे, और इस इलाके को गुजरात्रा बोला जाने लगा, जो बाद में अपभ्रंश होकर के गुजरात हो गया है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन हैं उसमें गुर्जर प्रतिहार, खास करके एक बार जो मथान देव जो इनका फिड्यूटरी था, जो सामंत था, उनके इंस्क्रिप्शन में अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शब्द से संबोधन किया गया है। तो अंतिम में मेरा निचोड़ यह है कि आप देखेंगे कि ये जो गुर्जर और प्रतिहार मतलब क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में जो अभी टकराव हुआ है वो बेसिकली ये टकराव का कोई मुद्दा नहीं है, गुर्जर
के बारे में हमें बताना होगा कि वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग या डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट से गुजर रहे हैं और आज भी गुजर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र में उन्हें ओबीसी का दर्जा हासिल है, बहुत सारे क्षेत्र में उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा हासिल है, बहुत सारे क्षेत्र में वो इवन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर इन क्षेत्रों में फैले हुए हैं और वहाँ पर घुमंतू लाइफ भी लीड कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी अलग अलग रहा है और उसी में से एक जो शाखा है, क्लान है, वो प्रतिहार था और उस प्रतिहार डायनेस्टी ने धीरे धीरे करके मध्य देश और ख़ास करके उज्जैन और कन्नौज पर अपना शासन स्थापित किया। लगभग 200 वर्षों तक उनका शासन चला और इसी बीच में अपनी सर्वोच्चता हासिल करने के लिए उन्हें राष्ट्रकूटा से और राष्ट्रकूटा से दक्कन में और बंगाल के पाल डायनेस्टी के राजा धर्मपाल और देवपाल से युद्ध करने पड़े और अल्टीमेटली इस वंश का डाउनफॉल हो गया। और इस डाउनफॉल होने के कारण से पतन होने के बाद में बहुत सारे राजपूत वंश का उदय हुआ, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि चौहान वंश का शासन बाद में अजमेर में स्थापित हुआ, परमार वंश के शासक ने धार में, धारा नगरी में अपना शासन स्थापित किया जो एमपी में है, मालवा में है। उसी तरह से सोलंकी या चालुक्य वंश के राजपूत शासकों ने अहिलवाड़ा जो गुजरात में है वहाँ पर शासन स्थापित किया। चंडेलास ने आप देखेंगे कि मध्य भारत में अपना शासन स्थापित किया और इसी तरह से बहुत सारे राजवंश जो राजपूतों के राजवंश थे उन्होंने हिंदुस्तान पर लगभग 500 वर्षों तक शासन किया, जब तक कि मुसलमान शासकों के द्वारा 1192 के तराई युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को और 1193 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को, जो कि गाढ़वाला शासक था, राजपूत शासक था और जिसका राजधानी कन्नौज था, इन सारे राजपूत शासकों को बारी बारी से मुसलमान शासकों ने सल्तनत पीरियड में सफाया कर दिया और यहाँ पर सल्तनत की स्थापना की गई। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इसमें अब ज़्यादा विवाद की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।